अब हम देखते हैं बेनाइन एंडोमेट्रियल लेयर्स में सबसे पहले हमारे पास होता है एंडोमेट्रियल पॉलिप। अब ये क्या होता है, ये फोकल एंडोमेट्रियल आउटग्रोथ है ऑफ वेरिएबल अमाउंट। अब ये बनी किस किस से होती है, ग्लैंड्स होते हैं, स्टोमा होते हैं और ब्लड वेसल होती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करें कि हमारे पास यहाँ पे एंडोमेट्रियम है, तो एंडोमेट्रियम के अंदर जो है ये एक पोलिप टाइप एंडोमेट्रियल आउटग्रोथ बन जाएगी जो हमारे पास ग्लैंड, स्टोमा और ब्लड वेसल्स वगैरह की बनी होती है। अब ये जो लेयर्स है ये हमारे पास पेडंकुलेटेड भी हो सकती हैं, सेसाइल भी हो सकती हैं, सिंगल और मल्टीपल भी हो सकती हैं। इसके अलावा इनका साइज वेरी करता है 0.5 to 4 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं क्लिनिकली हमारे पास जो है एंडोमेट्रियल पोलिप का पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है। अब हमारे पास उसमें एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के जो पेशेंट होते हैं वो 10 to 20% ऑफ चांसेस होते हैं कि उनमें हमारे पास एंडोमेट्रियल पोलिप हो, क्योंकि ये जो पोलिप होते हैं ये एबनॉर्मली ब्लीड करने लग जाते हैं। इन पर कोई हार्मोनल चेंजेस का फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं उनसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से ये मेंटेन रहते हैं और ये ख़त्म भी नहीं होते और ये परसिस्ट करते हैं। इसके अलावा इंटरमेंस्ट्रुअल इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दरमियान हो सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग हो सकती है के पेशेंट्स में हो सकते हैं और पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के पेशेंट में भी हो सकते हैं। इसके अलावा एबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग में जो सबसे ज्यादा काउंट होती है वो ना हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, मतलब बहुत से एंडोमेट्रियल पोलिप हमारे पास हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कॉज कर देते हैं। इसके अलावा जब हमारे पास पेशेंट सब फर्टिलिटी से प्रेजेंट करते हैं उसमें भी 10% चांसेस होते हैं कि वो हम उसमें एंडोमेट्रियल पोलिप हो। अब हम इसके रिस्क फैक्टर देखते हैं कि जो जो इसे इफेक्ट करते हैं, मतलब ओबेसिटी, मतलब जितना पेशेंट ओबीस ज़्यादा होगा उसमें एंडोमेट्रियल पोलिप के होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा लेट मेनोपॉजल वुमेन में एंडोमेट्रियल पोलिप होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोजन एगोनिस्ट जो टमोक्सिफेन ले रहे होते हैं उनमें हो सकते हैं। इसके अलावा जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं उनमें भी एंडोमेट्रियल पोलिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पे हम इसके इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। हम इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड पे, मतलब हम वजाइना के थ्रू अल्ट्रासाउंड जो कर रहे हैं उसमें हमें पोलिप इजीली एंडोमेट्रियम मिल सकता है। लेकिन इसका मोस्ट जो एक्यूरेट है वो है आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी के थ्रू हम इजीली देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियम में पोलिप मौजूद है, और ये हम विदाउट एनेस्थीजिया भी कर सकते हैं, लोकल एनेस्थीजिया विद लोकल एनेस्थीजिया भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक है SIS या सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। इसमें हम क्या करते हैं, डिस्टेंशन कराते हैं यूट्राइन कैविटी की विद फ्लूइड से और फिर हम वहाँ पे डिटेक्शन करके हम देख लेते हैं वहाँ पे एंडोमेट्रियल पॉलिप है। अब जब हम एंडोमेट्रियल पोलिप की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम इसे मैनेज कैसे करते हैं। कुछ पोलिप तो स्मॉल होते हैं, वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाते हैं, यानी वो बगैर ट्रीटमेंट के अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से बन जाते हैं, तो फिर वो मेंस्ट्रुएशन के दरमियान ब्लीड करके रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन बहुत से पोलिप ऐसे होते हैं जो खुद रिजॉल्व नहीं होते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पोलिपेक्टोमी करते हैं। अब हम ये पोलिपेक्टोमी तब करते हैं जब वो सिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब या तो वो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग शो कर रहे हों, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शो कर रहे हों, या फर्टिलिटी को ऑप्टिमाइज कर रहे हों, तो हमें फिर जो पोलिप है उन्हें रिमूव करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए हम पोलिपेक्टमी कर लेते हैं। अब हिस्टेरोस्कोप के थ्रू हम देखते हैं पोलिप को और फिर हम उसे एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट अंदर डालते हुए सीजर या इलेक्ट्रोड्स वगैरह उससे हम इसे कट कर देते हैं, और ये एक इजी प्रोसीजर है।